ये जो 200 रुपया का 1500 में जो मिल रहा है, यानी 1300 रुपया कहाँ जा रहा है? ये हमारे पलटू चाचा के खाता में जा रहा है। ये माफियाओं से सेटिंग किए हुए हैं, इसलिए शराबबंदी किए हुए। हमको तो बेचारे जितने पुलिस वाले हैं, बिहार पुलिस है, हमको तो तरस आता है। आप जानिए पुलिस का क्या काम है भाई। पुलिस का काम है अपराधियों के पीछे ना, हत्यारों के पीछे लगना ना, रेपिस्ट के पीछे लगना ना, गुंडे मवालियों के पीछे लगना ना। जो दारू पी रहा गरीब वो करेंगे ले जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। नवादा लोकसभा सीट लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है, लड़ाई काफी संघर्षशील होती जा रही है। तेजस्वी यादव जो कि एक बार फिर से नवादा में हैं और नवादा में जा करके वहां की जनता को समझा रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव 2014 में जो वादे नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किए गए थे, एनडीए सरकार की तरफ से किए गए थे, उन वादों की क्या हकीकत है, जमीनी सच्चाई इन 5 सालों में क्या कुछ निकल करके सामने आई। और वो ये भी बता रहे हैं कि आखिर क्यों वहां से महागठबंधन से राजद की कैंडिडेट विभा देवी को चुनाव में जीत दिलानी जरूरी है, किस तरह से लोकतंत्र को बचाना है। ये लड़ाई सच और झूठ की है। आप सुनिए तेजस्वी यादव ने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा है जो उन्होंने नवादा में दिया है। आज नवादा में आप लोगों के बीच चुनावी जनसभा में आने का मौका मिला है और यहाँ दो चुनाव है, एक पार्लियामेंट का चुनाव है और एक विधानसभा का चुनाव है। दोनों उम्मीदवार आपके सामने है, महागठबंधन के प्रत्याशी। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं है, किसी विशेष पार्टी को जिताने का नहीं है, किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने का है, देश को बचाने का है। इसलिए आप सब लोग जो संविधान में मानने वाले लोग हो, जो देश को बचाना चाहते हैं, आप सब लोगों को एकजुट होकर के हमारे दोनों प्रत्याशी को भारी से भारी मत देकर के जिताने का काम किया। ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। आज सत्ता में कुछ लोग बैठ गए, पिछले चुनाव में आप लोगों के बीच आकर के जुमलेबाजी की थी, धोखा दिया था, बड़े बड़े वादे किए थे। आप बताओ एक वादा उन लोगों ने अगर पूरा करने का काम किया हो। आज नौजवान जो है बेरोजगार है, मोदी जी ने कहा था कि दोबारा सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हर एक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार की बोली लगाई गई थी 70,000 करोड़ दू की 80,000 करोड़ दू, 80,000 करोड़ दू की 90,000 करोड़ दू, चलो 1.25 लाख रुपया करोड़ का पैकेज दिया। कहाँ मिला बिहार को आप बताओ? यहाँ कितने नौजवान होंगे जो पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे होंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर चली गई, किसानों की स्थिति जो है दयनीय हो चुकी है, किसान को कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। आप देखिएगा ना खाद मिल रहा है, ना सही मूल्य मिल रहा है, ना कर्ज किसानों का माफ किया जा रहा है और आज किसानों की स्थिति ये हो गई है कि आत्मदाह करने पर मजबूर हो चुके हैं। हुए कि नहीं हुए? गरीबी कितनी बड़ी है, महंगाई बड़ी है कि नहीं बड़ी है, यहाँ कितने बेरोजगार हो। और हमारे पलटू चाचा कल यहाँ आए थे ना, उनका कोई गारंटी ले सकता कि कब फिर पलट जाए? तो आप जानिए हमारे पलटू चाचा ने 4 साल में 4 सरकारें देने का काम किया। अगर बिहार में विकास हुआ है,
आप मान सकते हैं कि अगर 4 साल में 4 सरकार होगी तो बिहार में विकास होगा? सरकार बनेगी बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ी हो। अगर हमारे चाचा को बिहार की चिंता होती, आप लोगों की चिंता होती, तो मन लगा करके 5 साल सरकार चलाते और आप लोगों की सेवा करते तो आज बिहार की रूपरेखा अलग होती। लेकिन उनको तो अपनी चिंता थी, अपना कुर्सी का चिंता था। और आपको हम बता दें, उन्होंने क्या काम किया? शराबबंदी की। हम तो कहते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए पूरा भारत, लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, शराब चालू है कि बंद है? चालू है। कि होम डिलीवरी हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? 200 रुपया के बोतल 1500 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अमीर पी रहा है कि नहीं पी रहा है? आ गरीब जेल में जा रहा है? तारी के पेड़वा में तार के पेड़ में चार जाएगा तो भी पकड़ के ले जाएगा, मैं वो पी जाएगा तो पकड़ के ले जाएगा। सब दलित के, पिछड़ा समाज के, आदिवासी के, जो कमजोर है, जो बेबस है, जो लाचार है, उसको जेल में बंद किया जा रहा है। आई जो 200 रुपया का 1500 में जो मिल रहा है, यानी 1300 रुपया कहाँ जा रहा है? ये हमारे पलटू चाचा के खाता में जा रहा है। ये माफियाओं से सेटिंग किए हुए हैं, इसलिए शराबबंदी किए हुए। हमको तो बेचारे जितने पुलिस वाले हैं, बिहार पुलिस है, हमको तो तरस आता है। आप जानिए पुलिस का क्या काम है भाई? पुलिस का काम है अपराधियों के पीछे ना, हत्यारों के पीछे लगाना, रेपिस्ट के पीछे लगाना, गुंडे मवालियों के पीछे लगाना। जो दारू पी रहा गरीब वो करेंगे ले जा रहा, तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो आप बताओ, ये हमारे चाचा के काम है, 4 साल में 4 सरकार, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। एक और काम किए, बंदी करा दिए। क्या बंदी? तो बालू बंदी। आप बताओ बेचारा मजदूर की रोजी रोटी छीनी कि नहीं छीनी? जो गरीब मेहनत करा करके, मजदूरी करा करके 2 वक्त की रोटी अपने बाल बच्चों को घर में खिलाने का काम करता था, उसको रोड पे ले आए कि नहीं ले आए नीति जी? उसकी रोजगार को छीनने का काम किया ना। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बालू महंगा है कि सस्ता हो गया? महंगा हुआ ना, पहले सस्ता था अब महंगा है। तो असली माफिया कौन है भाई? नीतीश कुमार। तो ये सारे चार आप लोग समझिए, मतलब ये गरीब का सरकार नहीं है, ये केवल केवल माफिया और अमीरों का सरकार है। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। गरीब का एक ही नेता हमारे पिता लालू जी, और उनको साजिश के तहत फंसा करके जेल भेजने का काम किया। इसलिए ना भेजा क्योंकि ये लोग जानते थे अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर। इसलिए भेजा गया। हम लोगों पे मुकदमा, फलना पे मुकदमा। तो आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव कई मुद्दे पर बोल रहे थे, वो नरेंद्र मोदी सरकार के झूठे वादों जो कि तेजस्वी यादव अक्सर कहते रहते हैं उस पर भी उन्होंने बोला। इसके साथ ही साथ बिहार की नीतीश सरकार की जो शराबबंदी है उसकी भी क्या जमीनी हकीकत है वो भी जनता को समझाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बोतल पहले सस्ती मिलती थी अब वो और महंगी हो गई है, गरीब जेल जा रहे हैं और अमीर शराब पी रहे हैं। कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव लगातार नवादा लोकसभा सीट में किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, महागठबंधन के सभी पार्टियों, सभी घटक दल किस तरह से मजबूती से वहां के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी इस एक रिपोर्ट में दिखाई है ये बात कि तेजस्वी यादव हर रोज चुनाव प्रचार से लौटने के बाद शाम को मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि आखिर नवादा संसदीय सीट पर, नवादा लोकसभा सीट पर क्या कुछ कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव ने खुद नवादा जीतने का बेड़ा उठा लिया है, महागठबंधन के कैंडिडेट
और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही विभा देवी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको बिना देरी के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव सिटीज आपको बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा कवरेज आप तक सीधे ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहा है। हमारे लाइव सिटीज के फेसबुक पेज को लाइक करें, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।